चंद इंच के फासले के ऊपर ये बिजली की तारें हैं और ये पेट्रोल है। अब आईजी साहब इसे भी पागल करार दे दें। आईजी साहब ये पेट्रोल भरने वाला भी पागल है, ये टैंकर भी पागल है। भैया ये मशीन वैसे ही डालती है जैसे दूसरी मशीन जी। कितने का लीटर आप? 294। पेट्रोल है, लोकल एजेंसी तो कानूनन जुर्म है ना? जी जी। आप जुर्म कर रहे हैं? जुर्म तो नहीं है। आपके पास कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस है? जी है, एनओसी है उसके पास है। ये बोतलों में भी डाल के दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मोटरसाइकिल में डाल रहे हैं। 2-3 रुपए के खातिर आपने खतरा पूरी जिंदगी का ले लिया। ये देखिए नाज़रीन, ये मशीन है और ये वो टैंकर है जो बड़ा बड़ा है। और इधर मैं खतरनाक चीज दिखाऊं, ये साथ ही यूपीएस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। ये देखिए साथ, ये सिर्फ एक स्पार्क आने की देर है बैटरी के क्लंप से, ये पूरा इलाका जल के खाक सर हो जाएगा। ईरानी पेट्रोल यहाँ पे इसकी तरसील की जा रही है, बेचा जा रहा है। पुलिस वालों ने उनसे पैसे लिए, आगे एसपी पुलिस वाला अफसर बैठा है, उन्होंने कहा बिठाया नहीं, उन्होंने कहा नवा मिल गया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल, मेरा नाम यासर शमून खान है। ये सब्जादार और डुब्बनपुरा के दरमियान का इलाका है, यहाँ पर थाना सब्जादार भी लगता है, थाना वानटोन भी लगता है, चौकियाँ भी लगती हैं मुख्तलिफ किस्म की। ये देखिए पेट्रोल भरा जा रहा है, ये लोकल लगाई हुई है मेरे प्यारे भाई ने, यहाँ पे मशीन पूरी मशीन लगाई हुई है, लेकिन वो कर ईमानदारी से काम रहा है, ये नहीं कि उसने कोई वैसे ही डाल दिया हो। भैया ये मशीन वैसे ही डालती है जैसे दूसरी मशीन डालती है? एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट। वैसे ही डालती है जी। कितने का लीटर आप? 294। तो बाहर कितने का? 292-93 रुपये का है। 3-4 रुपये आप? 2 रुपये। 2 रुपये पर लीटर जी। जी ये पेट्रोल लाते कहाँ? ये बोस ही लेके आते हैं। ईरानी पेट्रोल है ये बोस ही लेके आते हैं यार। पेट्रोल इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में, मेरे प्यारे दोस्त पेट्रोल तो नहीं मिल सकता ना पेट्रोल पंप से, लोकल एजेंसी तो कानूनन जुर्म है ना? जी जी। ठीक है, आप जुर्म कर रहे हैं? जुर्म तो नहीं है। आपने खुद ही अभी कहा जुर्म है? जुर्म तो नहीं। आपके पास कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस है? जी है, एनओसी है। बॉस के पास है। किसके पास? बॉस के पास है। बॉस के पास है, लेकिन काम आप कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो? कितना खतरनाक काम है, अगर आग लग जाए तो सबसे पहले तो आप झुलसेंगे ना? जी जी। आपकी जान कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं? मैं 600 रुपये। ये बोतलों में भी डाल के दे रहे हैं, ये क्या करना है? मोटरसाइकिल में डाल रहे हैं। मोटरसाइकिल में डाल रहे हैं जी। तो अगर रास्ते में कोई सिगरेट या कोई ऐसी चीज लग गई तो? कोई SOP नहीं। इतनी गुंजान, ये दिखाएं जरा कितने घर हैं यहाँ, दिखाएं जरा, ये घर ही घर, दुकानें ही दुकानें, दिखाएं जरा दुकानें ही दुकानें, घर ही घर। ये देखेंगे, ये भी दिखाएं, इधर भी दिखाएंगे, डल रहा है। कितने का डाल रहे हैं? 50 रुपये का। 50 रुपये का? ओहो, तो बचे 2-3 रुपये रहे हैं, खतरा आपने पूरी जिंदगी का ले लिया। 2-3 रुपये के खातिर आपने खतरा पूरी जिंदगी का ले लिया। ये देखें नाज़रीन, ये मशीन है, ये देखें, ये मशीन है, आप देख सकते हैं, और ये वो टैंकर है जो बड़ा बड़ा है। अब आईजी साहब इसे भी पागल करार दे दें। आईजी साहब ये पेट्रोल भरने वाला भी पागल है और ये टैंकर भी पागल है और सब कुछ यहाँ पे पागल ही है। ये देखें जरा, ये हिलाया नहीं जा सकता। कितना होगा इसमें? पता नहीं, मैं खुद नहीं हूँ आया। ये कितने लीटर का ही है? ये अंदाजा नहीं। एक मिनट ठहर जाओ, सब्र ले लो। राह बंद हो गया जी, उन्होंने सारा सारा राह बंद हो गया ना दिन। आप ये देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे हल्की सी पेट्रोल की चिंगारी। और इतना खतरनाक चीज दिखाऊं, ये साथ ही यूपीएस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। ये देखें साथ, ये सिर्फ एक स्पार्क आने की देर है बैटरी के क्लंप से, बैटरी के क्लंप से स्पार्क आ जाता है भैया, आता है कि नहीं आता? यहाँ पे क्या हाल होगा, ये पूरा इलाका जल के खाक सर हो जाएगा, आप इसे हिला नहीं सकते। ये देखें, ये देखें, ये दिखाओ यार, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये देखो यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ये पेट्रोल का टंकर, ईरानी पेट्रोल यहाँ पे तक इसकी तरसील की जा रही है, बेचा जा रहा है सरेआम, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। यहाँ की पुलिस भंग पी के सोई हुई है, जबकि पुलिस को स्पेशली ऑर्डर दिए गए हुए हैं कि जहाँ पे आप निजी पेट्रोल पंप की एजेंसियाँ देखें वहाँ पर रोक लें। 5,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया महीना बीट ऑफिसर यहाँ से कम उठाता होगा, कम से कम उठाता होगा। अब मेरी ये सारी बातें अगर मुझे पागल करार देना है
तो बेशक दे दे, मुझे उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो तब पड़ेगा जब ये पूरे का पूरा इलाका खुदा ना खासा जल जाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ नीचे से कि बकायदा ये वाल भी कितना देसी साख्ता लगा हुआ है, किसी भी वक्त किसी भी लम्हे यहाँ पर आग लग सकती है, ये पूरे का पूरा रिहायशी इलाका आग में जल सकता है। ये पुराने वक्तों की मशीन लगी हुई है, यूपीएस पीछे साथ लगा हुआ है, मोटरसाइकिल की यहाँ से प्लग से चिंगारी निकलनी है और इसने आग लग जानी है, ये पंखा सब कुछ जलाने का सामान यहाँ पर मौजूद है, और ये चंद एक फुट के फासले के ऊपर पंखा है, यहाँ से उस पार को हो सकता है, और आधे फुट के फासले के ऊपर ये यूपीएस और उसकी बैटरी है, ये आप देख सकते हैं, और चंद इंच के फासले के ऊपर ये बिजली की तारें हैं और ये पेट्रोल है। और अगर ये चाचा जी से बात करें तो चाचा जी शायद हमें बता सकें, मुलाजम बोतल नहीं पीनी और की पानी की पीना, बोतल नहीं पीनी, फीस कितनी दे रहे हो, फीस कितनी दे रहे हो, फीस दसो पुत्र, गल मेरे मुंह पानी आ रहा, फीस नहीं पुत्र, ये दुकान दा ये मालिक आ, ये बेटा फीस कितनी दे रहे हैं, फीस दे यार, मामला मकाइए यार, फीस कितनी दे रहे, फीस लाजो, मैं खुद मुलाजम हूं, मुलाजम कितनी फीस लेगी, मैं इससे और मुलाजम कितनी फीस करते, दसो भाई साहब यार, तू ना मुलाजम कितनी फीस करते यार, गल सुन, जा नाटक तू बोतल ले आ, हर जगह तो खाना क्योंकि हर आम है ड्यूटी दे वक्त खाना, नाज़रीन मोमिन लोग हैं, लेकिन मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, हम तो इनका सदका खाते हैं, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि ये कितना बड़ा पाप है, जुर्म है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है इस इलाके की, केड़ा इलाका लगता थाने सब्जादार के एस एच ओ, वो ऐसे जो सब्जादार मुझे पता नहीं कौन है, अगर तो इमरान पठाना है वो तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसके नोटिस में नहीं होगा, वो इन चीज़ों के खिलाफ भी बहुत है, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, और अगर कोई और है तो उसकी जेब गर्म हो रही है, उसको क्या लेना देना, उसकी जेब गर्म हो रही है, सात बहन का घर है, वो घर से बहन भाई निकली, अल्लाह ना करे ये जल जाए, और रहम खाएं, कोई तरस खाएं, कोई लोगों के ऊपर अपने चार पैसों की खातिर ये क्या जुल्म का धंधा कर रहे हैं, दोबारा फिर यानी पैसे लांदे ने दोबारा फिर वापस 15-20 मिनट बाद, हां जी हले अभी 15 को फोन करूंगा, एक घंटा 15 नहीं आएगी, आई जी साहब अल्लाह का नाम है पागल खाने में 15 की भी ट्रीटमेंट करवा दें, उसकी वजह यह है कि वो एक एक घंटा नहीं आती, मुझे पता है आपने मेरी ट्रीटमेंट ही करवानी है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है एक किले ना वहाँ दरवाज़ा होगा और अंदर मेरी ट्रीटमेंट हो रही होगी, और मैं उसके बाद एक छोटा सा क्लिप चलाऊँगा तो वह मेरे पे हो दी, अल्लाह की कसम मुझे नहीं जाना चाहिए था,
पुलिस को गलत नहीं था कहना चाहिए, मैं पुलिस को गलत नहीं कह रहा, उसमें काली बेड़ों को गलत कह रहा हूँ। ये पूरे का पूरा इलाका जल जाएगा मेरे मोहतरम, ये पूरे का पूरा इलाका जल जाएगा। ये तबाही और बर्बादी का एक मरकज है जिसे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं हजारों प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये जितने यूट्यूबर आज प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे मेरी नकल कर रहे हैं। मैंने पहले निशानदेही कर ली और अच्छा कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, चले किसी काम को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो सही किस तरह ये अल्लाह ताला माफ फरमाए दोजों को राख का निज़ाम किस तरह धड़ाधड़ कारोबार के तौर के ऊपर चल रहा है और कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप चेक करें, कोई रोकने वाला ही नहीं है। मुझे यहाँ पे फीस की हर तरह की ऑफर हुई है, क्या करनी है फीस, कितनी देर खा लूंगा, पैसे ले लेते हैं। उन्हें पता ही, उन्होंने पता साढ़े सामने थोड़ा लेते हैं, लेकिन आपने देखा कि पैसे जाते ने आ जाते ने, हर दूसरे दिन चकी थी फिर वापस आई थी, क्यों आती है उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, ईरानी पेट्रोल बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। लोगों को पेट्रोल गाड़ियों में डालने के लिए मैसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईरानी पेट्रोल बिक रहा है, कोई नहीं रोकने वाला। हाँ जी, पुलिस वाले आते हैं चौकते हैं, अद्धे घंटे बाद वापस ले आते हैं, क्यों आती है, अद्धे घंटे बाद वापस आ जाती है, दसो क्यों आ जाती। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। नाज़रीन के सामने मशीन लगी, बच्चा क्या कह रहा है। परसों डाला आया, उन्होंने पुलिस वालों ने उनसे पैसे लिए, आगे एसपी पुलिस वाला अफसर बैठा था, उन्होंने कहा बैठाया नहीं, उन्होंने कहा नवा मिल गया, उन्होंने कहा ठीक है जाओ फिर चलो। नवा मिलता जी, नवा मिलता, आते हफ्ते बाद आते। तो अपने आंखों से सुना जी भाई, देखा और कानों देखा, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया आते हैं, अगर ना उनके पास टूटे छीन ठा के ले जाते हैं। जुर्म नहीं हो रहा बेटा, जुर्म है। अब क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? गुमराही में जा रहा है। इस बच्चे को पता है कि पाकिस्तान गुमराही में जा रहा है, इस मुल्क को चलाने वालों को नहीं पता। इसके ये लफ्ज याद रखिएगा, आपको लगता है कि हम बच जाएंगे? आधा तो डूब गया, आधा डूब गया, कर्जा ही नहीं दिया जा रहा, बनेगा क्या, बर्बाद। क्यों लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए? बच्चियाँ आपको इतनी बातों को कैसे पता? बस देख के पता लग जाता है। पाकिस्तान से प्यार है? है तो है, अपना मुल्क होता है, पैदा होते हैं यहाँ ही रहते हैं, पैदा होते हैं यहीं रहते हैं, तो प्यार अपने हर इंसान को अपना मुल्क से प्यार होता है। तुम तो इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम्हें क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? बर्बाद है। लो ना करे मेरे चांद, हालत में जिंदगी की सारों खुशियाँ तुम्हारा नसीब बन जाए, तुम्हें देख के लोग हसरत करें, मेरी ये तुमसे दुआ है, और तुम्हारी वजह से ये हमारा मुल्क बच जाए।